खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार है और दिन रविवार है और तारीख है 12 फरवरी। आज रविवार होने के कारण मंडियां बंद हैं, लेकिन दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, दो बड़ी अच्छी खबरें थी जिनको आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आज एक सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर है, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा और मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मोपा, इन दोनों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि जिस ढंग से सोयाबीन की क्रॉप का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बाकी पड़ा है और सरसों की फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, उस दृष्टि से आगे किसानों को एक पूरा फसलों का लाभ मिले, किसानों को अच्छा भाव मिले, इसलिए जो विदेशी जो तेल हैं, विदेशी जो आयातित तेल है, जैसे सूरजमुखी तेल है, जैसे सोया तेल है, जैसे पाम तेल है, इनके ऊपर जो आपने शुल्क मुक्त आयात की जो एक योजना दे रखी है उसको बंद किया जाना चाहिए और इनके ऊपर ड्यूटी लगाई जानी चाहिए, ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर है और इस पर शायद सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और शायद इस पर कोई एक्शन लेने की तैयारी भी हो रही है। इस बीच इंडोनेशिया ने अपना जो पाम तेल का निर्यात है उस पर थोड़ा अंकुश लगाने का फैसला किया है। हो सकता है कि पहले जो अनुपात था निर्यात का 1:6, उसको घटा करके शायद 1:8 कर दिया है। ये कंफर्म सूचना नहीं है, लेकिन ऐसा एक जानकारी आ रही है कि शायद इस तरह की एक स्टेप इंडोनेशिया द्वारा लिया जा सकता है। उसका एक उदाहरण ये है कि अगर किसी निर्यातक को मान लीजिए 1,000 लीटर तेल निर्यात करना है तो उसे कम से कम 6,000 लीटर पहले घरेलू बाजार में उपलब्ध करवाना होता था। ये है 1:6 का अनुपात। इसको बढ़ोतरी करने का प्लान चल रहा है और इसमें बढ़ोतरी अगर होती है तो निर्यात निश्चित रूप से घटेगा। वैसे भी पाम तेल का भारत में आयात पहले बहुत ज़्यादा हो चुका है, स्टॉक काफ़ी है, इसी कारण से खाद्य तेलों का बाज़ार अभी दबाव में चल रहा है। दूसरी खबर ये है कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटने की अभी कोई संभावना नहीं है। गेहूं की फसल आने वाली है अप्रैल में और गेहूं का उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, हालांकि ये तापमान पर निर्भर करेगा। तापमान अभी से काफ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा है और अगर होली के आसपास ये तापमान और ऊंचा चला गया तो शायद उत्पादन पर असर आ सकता है। इस बीच सरकार ने हाल ही में 30 लाख टन गेहूँ सरकारी भंडार से खुले बाजार में बेचने का जो निर्णय लिया था उसमें से काफ़ी गेहूं बाजार में आ चुका है और अब एक और निर्णय सरकार लेने जा रही है कि 30 लाख के बाद 20 लाख टन गेहूं जो है और इसके अलावा बाजार में बेचने की प्लान बन रही है, आ सकता है। और निर्यात का पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है गेहूं के निर्यात पर, आटा के निर्यात पर, सूजी के निर्यात पर, इस निर्यात को खोलने की अभी कोई संभावना दिखती नहीं है। इसलिए गेहूं में जो बहुत एक तेजी आ गई थी अभी 10 दिन पहले ही मानिए 3250 रुपये जो दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव हो गया था वो अभी 2700 के आसपास आ गया है, यानी 500-550 रुपये की गिरावट है। थोड़ा बहुत बाजार और गिरावट की तरफ बढ़ सकता है, भाव 2600 रुपये के आसपास गेहूं का आ सकता है, इससे कम जाने की उम्मीद अभी कम लगती है। फिलहाल इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।